नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और एसपीएन 9 न्यूज में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान में लंबे समय से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच चल रहे सियासी संग्राम पर विराम लगाने को लेकर कांग्रेस नेतृत्व गंभीर हो गया है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गहलोत और पायलट को दिल्ली बुलाकर बात की है। सूत्रों के अनुसार सचिन पायलट को कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है। महासचिव रहते हुए पायलट उत्तर प्रदेश और पंजाब विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार करेंगे। सोनिया से मुलाकात के दौरान पायलट राष्ट्रीय महासचिव बनने को तैयार तो हो गए, लेकिन उन्होंने राजस्थान में सक्रिय रहने की बात भी कही। सूत्रों के अनुसार पायलट ने सोनिया से कहा कि वह पार्टी नेतृत्व का निर्देश मानेंगे, लेकिन राजस्थान में पहले की तरह सक्रिय रहेंगे। सोनिया गांधी ने सचिन पायलट को उनके समर्थकों को सत्ता व संगठन में महत्व देने का आश्वासन दिया है। गहलोत व पायलट से बात करने के बाद सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रदेश प्रभारी अजय माकन और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ चर्चा की। सूत्रों के अनुसार अगले सप्ताह में भी कभी भी मंत्रिमंडल फेरबदल हो सकता है। राजनीतिक नियुक्तियों की प्रक्रिया भी इस माह के अंत से प्रारंभ हो जाएंगी। कांग्रेस आलाकमान द्वारा तय की गई कार्य योजना के अनुसार पहली बार चुने गए विधायकों को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। 4 से 5 संसदीय सचिव बनाए जा सकते हैं। इनमें बसपा से कांग्रेस में शामिल होने वाले जोगेंद्र सिंह अवाना, वाजिब अली, पायलट समर्थक वेद प्रकाश सोलंकी और मुकेश भाकर के नामों पर विचार किया जा रहा है। बता दें आपको, पायलट खेमे की बगावत के समय गहलोत के साथ ही गुर्जर समाज के विधायक शकुंतला रावत को भी संसदीय सचिव बनाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार पिछले 3 साल से रिक्त चल रहे विधानसभा उपाध्यक्ष पद का जिम्मा वरिष्ठ विधायक राजेंद्र पारिक को सौंपने पर सहमति बनी है। ऐसी खबर लगातार हम आपको देते रहेंगे और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमने आप तक पहुंचा दी है। राजस्थान, पंजाब और आने वाले विधानसभा चुनावों से लेकर एक एक खबर तक नजर डालते रहिएगा एसपीएन 9 न्यूज के साथ। धन्यवाद।